गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूं अभी कलकत्ता में। और दोस्तों, मेरा जो चौथा डेस्टिनेशन था कलकत्ता, वो चार स्टेट का जो कैपिटल है, मैं पहुंच चुका हूं दोस्तों। और अब मैं जा रहा हूं दोस्तों कलकत्ता से सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी जो वेस्ट बंगाल का है, वहां से दोस्तों सिक्किम जाएंगे, सिक्किम जाएंगे गैंगटॉक दोस्तों, हमारा जो पाँचवा डेस्टिनेशन है वहाँ जा रहा हूँ मैं दोस्तों। तो आइए चलते हैं फिर कलकत्ता से गैंगटॉक। यू इन कलकत्ता दोस्तों, यहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पाता दोस्तों, सुबह का 8 बज चुका है। लेकिन दोस्तों यहाँ बिल्डिंग के कारण, इतना लंबा लंबा बिल्डिंग है जिसके चलते सूरज की रोशनी नहीं पड़ पाती सिटी में, और दोपहर को पड़ता है सिर्फ। कलकत्ता में रोड में ट्रैक है दोस्तों, ट्रेन चलता है यहाँ, मतलब 2 बग्गी वाला ट्रेन जो है वो चलता है। ऐसा लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया, मुझे तो नहीं दिखाई दी कौन सा एरिया में चलता है। इस रूट का जो है ये बंद हो गया है शायद, वरना दिखा देता, मुझे नहीं दिखा, लेकिन चलता है दोस्तों। कुछ लोगों से मैंने बात की और यहाँ का पॉपुलेशन के बारे में पता करने की कोशिश की दोस्तों। यहाँ कलकत्ता दोस्तों एक ऐसा सिटी है जो यहाँ से लोगों से ज़्यादा बाहर का लोग यहाँ आके रहते हैं। और इन भैया से मैंने पूछा तो इन भैया ने बोला कि यहाँ के आसपास के लगभग 2 से 3 गाँव के लोग यहाँ पर आके काम काज करने के लिए आते हैं और यहाँ अपना रोजी रोटी चलाते हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हो कितना, और सबसे बड़ी बात यहाँ दोस्तों खाने पीने की चीज़ें बहुत सस्ती में मिल जाता है, इसीलिए ज़्यादातर यहाँ पर लोग काम करने के लिए आते हैं और कमाते हैं। देखो दोस्तों रिक्शा वाले कितना मेहनत करते हैं, देखो दोस्तों कितना दौड़ा दौड़ा कितना सामान गिरा दिए, सारा सामान गिरा दिए दोस्तों रास्ते में, जल्दी जल्दी में ऐसा ही होता है। बाहर जाने के लिए और कितना किलोमीटर आगे जाना पड़ेगा? बता नहीं सकता, लेकिन यहाँ पे थोड़ी देर के बाद आपको ये मिलेगा, एयरपोर्ट मिल जाएगा। हाँ। सीधा जाने के बाद मध्यम जाम, फिर बाड़ाशाद, उसके बाद थोड़ा और है, मतलब मैं नहीं गया अभी तक। मतलब सिटी से बाहर जाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ेगा? बहुत दूर नहीं, बाड़ाशाद वैसे आप ज़्यादा दूर नहीं है जितना आप सोच रहे हो, आप चलते चलते पहुँच जाओगे दोपहर के पहले। ठीक, दोपहर के पहले अभी जब निकले हो 12 बजे तक पहुँच जाओगे। ठीक, दोपहर हो चुका है दोस्तों, शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर आ चुका हूँ, फिर भी देखो दोस्तों शहर ख़त्म ही नहीं हो रहा है। ये है कोमान इलेक्ट्रॉनिक्स, और यहाँ पे दोस्तों ये एयरफोन और एक पावर बैंक रख दिया, बहुत सारे तो आगे चल के बहुत काम आ रहा है। दोस्तों मैं अभी कलकत्ता की कौन सी जगह है भाई हूँ? हाँ, इस जगह पे हूँ और काफ़ी सारे लोग मिले मुझे दोस्तों यहाँ पर, बातचीत की इन लोगों से, काफ़ी प्यार भरा अपना मैसेज जो है उनको दिया, काफ़ी अच्छा लगा दोस्तों। दोस्तों ये रॉयल एनफील्ड का शोरूम है, इन भाइयों ने काफ़ी रिक्वेस्ट की रुकने के लिए, लेकिन दोस्तों यहाँ रुकने के लिए अभी टाइम नहीं है हमारे पास, फिर भी भैया ने पानी लाकर दे दिया है मुझे, थैंक यू भैया, ये पानी दे दिया। रुकना तो नहीं हो पाया क्योंकि अभी जल्दी जाना है दोस्तों आगे, तो दो बोतल दे रहे हैं दोस्तों पानी। रानाघाट पुलिस स्टेशन कितना दूर है? हाँ, 15 किलोमीटर ना, 40 किलोमीटर। ठीक है, देखेंगे पहुंच पाएंगे तो चल जाएंगे, क्योंकि शाम के टाइम अच्छा लगता है क्योंकि धूप नहीं होता उस टाइम पे। दोस्तों कलकत्ता में इस तरह का रिक्शा मैंने बहुत देखा दोस्तों, ये रिक्शा जो है दोस्तों ये मोटर फिट है, इसमें पेडल लगाना नहीं पड़ता, जो कि अच्छा है। ये देसी जुगाड़ है, इस तरह का टैलेंट से हमारे देश आगे जा रहा है, मतलब उनको भी सहूलत मिल रहा है। और दोस्तों शाम हो चुका है और फिर भी मैं अभी तो थोड़ा बहुत शहर से बाहर आया हूँ, खेती बाड़ी की है, बहुत सारे अच्छा लगता है दोस्तों, हम भी किसान लोग हैं, बहुत सारे खेती बाड़ी यहाँ पे देख सकते हो किस तरह से की, एक स्पेशल वीडियो आएगा खेती के ऊपर भी। वाओ दोस्तों, गांव के रास्ते में अक्सर मैं जाता हूँ तो अच्छा लगता है,
और ये लोकेशन भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और इस रोड में मैं दोस्तों जाऊंगा हमारा सिक्किम, कलकत्ता टू सिक्किम। तो देखते हैं ये जर्नी कितना अच्छा और कितना रिस्क भरा रहेगा, देखते हैं। ये मंदिर जो दिख रहा है मेरे सामने दोस्तों, ये काफ़ी पुराना मंदिर है दोस्तों, ये अकबर के ज़माने के मंदिर है दोस्तों, काफ़ी लोगों ने ये मुझे बोला तो मैं चला आया दोस्तों देखने के लिए। दोस्तों मैं अभी पहुंचा हूं बंगाल, और बंगाल तो आपको पता ही होगा मैं बंगाल में हूं। और इसी अभी के टाइम में दोस्तों बंगाल में धान की कटाई चल रही है, और यहां दोस्तों जो नड़ा बोलते हैं, नड़ा की तरह से काटते हैं धान को, तो काफ़ी लोग यहां पे खेती में काम कर रहे हैं। अब तक शाम का टाइम हो चुका है, फिर भी दोस्तों काम कर रहे हैं, अच्छा लगा देख। रात हो चुका है दोस्तों, और आज एक ठिकाना ढूंढना पड़ेगा रात को रुकने के लिए। और सामने एक फाड़ी है शायद पुलिस स्टेशन का, तो वहाँ जाके ट्राई करते हैं क्या होता है पता करके। मैं आया था यहाँ पुलिस स्टेशन में दोस्तों, यहाँ की पुलिस स्टेशन ने भी आज नहीं रखा, पता नहीं क्यों यार बंगाल के पुलिस वाले नहीं रख रहे हैं, आज फिर कहीं ना कहीं जुगाड़ करना पड़ेगा। दोस्तों अभी मैं हूँ बंगाल के आवांकड़ आराम करके कुछ एक जगह है, यहाँ के पुलिस स्टेशन ने मना कर दिया, वहाँ के पुलिस वाले ने बोला निकल यहाँ से, वहाँ के पुलिस वाले ने बोला कि यहाँ पे हमारे यहाँ कोई जगह नहीं, ऐसे कोई थाने पे सोता है कि। तो मैंने बोला हिम्मत से, आपका भाई भी काफ़ी हिम्मत वाला है, तो अगर आपके थाने में नहीं हो सकता है तो आपका सरपंच का नंबर दे दीजिए। तो सरपंच का नंबर लेके वहाँ से मैं बातचीत करके दोस्तों अभी मैं पंचायत ऑफिस में रुका हूँ, तो कुछ ना कुछ करके जुगाड़ हो जाता है भाई, बस थोड़ी सी हिम्मत की ज़रूरत होती है। दोस्तों इस जगह का नाम है आधाटा, और कल मैं यहाँ रुका था दोस्तों, तो आज सुबह सुबह मार्केट आ चुका हूँ दोस्तों खाने के लिए, कुछ ना कुछ मिलेगा तो देखेंगे। और सामने मुझे कुछ दिख रहा है, सामने केला दिख चुका है, और चलते हैं केला खाने के लिए। और सामने से एम्बुलेंस, सुबह सुबह बस केला खा के अभी आगे चल पड़ा हूँ, क्योंकि वहाँ सिर्फ कचौड़ी और पूड़ी मिलता है, वो तेल वाला जो अच्छा नहीं लगता मुझे। एक चौक से दूसरा चौक आ चुका हूँ दोस्तों, लेकिन यहाँ भी वही चाय बिस्किट, नाश्ता नहीं मिल रहा है, और नाश्ता मिलेगा तो भी कचौड़ी, जो उसे देख कर आजकल टेंशन लगने लगा। ना धूल भरा रास्ते में जाने पड़ रहा है, देखो दोस्तों यार सिट ये रोड। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये रोड भी काम चल रहा है, यहाँ से मैं जा रहा हूँ सिलीगुड़ी, यहाँ से 500 किलोमीटर है, और 500 किलोमीटर तक इस तरह का धूल उड़ेगा, काम चल रहा है, तो इस रोड को भी छोड़ना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि इस तरह का रोड में अच्छा नहीं लगता यार, मज़ा नहीं आता ट्रैवलिंग का। दोस्तों सुबह सुबह दो बोलेरो पिकअप यहाँ पे टूट गया है आपस में, और देखो क्या हाल हो गया है। इस तरह का लॉटरी यार बंगाल में हर जगह देखने को मिल जाएगा। अच्छा ने दही पिलाया, दही का लस्सी बहुत ही अच्छा लगा। 12 महीने यही बिजनेस करते हो? 12 महीने गर्मी में काफ़ी बिजनेस चलता होगा, बहुत मस्त। मैं हूँ अभी रानी घाट पे, और रानी घाट पे दीदी मिले, और काफ़ी अच्छी बातचीत की, अच्छा लगा। सोनाली मैम, इनका एक यूट्यूब चैनल का नाम सोनाली मैम। सोनाली मैम हमारे स्कूल समस्त वीडियो थके, तार संगे हमें जेखने जेखने घूमते जाए सेखानकार वीडियो। आज के शांतिपुर जा रानाघाटे, एखे इसे दादार संगे देखा गल, तो दादार साथ कथाओ हो गल, दादा भीषण ही भलो, दादार एत पथ चलो, तरह अनेक शुभेच्छा रही दादा के। थैंक यू आपके। और ये पुलिस वाले भाई साहब मिल गए दोस्तों, काफ़ी अच्छे से बातचीत की, काफ़ी अच्छा लगा दोस्तों इनसे मिल के, फोटो वोटो लिए, अच्छा लगा।
मैंने सुना था जब रोड की काम चलता है, रोड बनता है, सरकार गरीबों को सुजोग देता है कमाई का। लेकिन दोस्तों मैं देख रहा हूँ सारा का सारा काम मशीनें कर रहे हैं, और यहाँ दोस्तों जितने भी सारा पैसा है जो सरकार का, वो सिर्फ बिल्डरों के जेब पे जा रहा है। दोस्तों ये रास्ता बिना जिंदगी की तरह है, बहुत कुछ सिखाता है, कभी खुशी कभी गम जैसा। दोस्तों कहीं पे बहुत अच्छा तो कहीं पे बहुत खराब रोड मिल रहा है। खैर शाम होने को है और हम भी चल रहे हैं, क्योंकि जब अच्छा रास्ता दिख जाता है तो दोस्तों चलने के लिए जी चाहता है। चलते हैं, रोड अच्छा मिला है तो चलते हैं, अभी टाइम भी है हमारे पास। भारत माता की जय। देख सकते हैं दोस्तों बंगाल के दोस्तों का कितना सा जोश है। ठीक है दोस्तों, इस तरह का जोशीला बंदा देखते हैं मुझे अच्छा लगता है दोस्तों। और मैं जा रहा था, रास्ते में इन्होंने रोका और बातें की, काफी अच्छा लगा दोस्तों। वंदे मातरम। दोस्तों रात हो चुका है और रात के टाइम पे इस तरह का रोड में ट्रैवल करना बहुत ही मुश्किल है दोस्तों। इसलिए मैं आज इसी ढाबे पे रिक्वेस्ट की है, रुकने के लिए थोड़ी सी जगह मांगी है, तो इन्होंने हाँ बोल दिया है, क्योंकि दोस्तों घर वालों ने भी मना कर रहे थे। और रिक्स भी है दोस्तों, तो इतना ज़्यादा रिक्स लेना सही नहीं है आगे चलना। यहाँ से जो कृष्णा नगर है दोस्तों, वो यहाँ से और 18 किलोमीटर है, और अभी के टाइम पे अगर मैं 18 किलोमीटर जाऊँगा तो लगभग 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा, क्योंकि दिन भर मैं थक चुका हूँ दोस्तों। तो इसीलिए आज यहाँ रुकना पड़ता है, तो एडजस्ट करना पड़ेगा दोस्तों टेंट वेंट लगा के। कल रात में इसी टीन के नीचे ढाबा के पास मैं ये टेंट लगा के रुका था दोस्तों, तो देख सकते हो। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप दोस्तों। मैं हूँ अभी रानाघाट से लगभग 30 किलोमीटर दूर गोविंदपुर में, और ये दोस्तों यहाँ से मैं जाऊँगा कृष्णा नगर, क्योंकि दोस्तों कृष्णा नगर में आज बहुत काम है। क्या है कि मेरा जो UPI ID है वो काम नहीं कर रहा है, तो वहाँ बैंक में जाके अपना जो अकाउंट है उसे सही करवाना पड़ेगा, पता नहीं कोई दिक्कत आ गया है। और दोस्तों आज मैं आपको ले जाऊँगा मायापुर, वहाँ पर एक इस्कन टेम्पल है शायद बहुत ही बड़ा सा, तो आज मैं आपको वो दिखाने की कोशिश करूँगा। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा दोस्तों, ये कुछ पत्ते हैं जो अच्छा लग रहा है। तो 9 बजने वाला है, मैंने अब तक नाश्ता नहीं किया हूँ, पता है क्यों? आप लोग सोच रहे हैं कि बाहर घूम रहे हैं मस्त, जो मर्जी करे वो खाना पीना मस्त, लेकिन दोस्तों उतना आसान नहीं है। हर रोज़ तेल वाली चीज़ें खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। और यहाँ दोस्तों एक तो समोसा पकड़ी चावल वगैरह ऐसा जैसे हम जो खाते हैं वो नहीं मिलता है यहाँ दोस्तों, मिलता है तो सिर्फ कचौड़ी और पूड़ी। और दोस्तों रात को रोटी खाया था और सुबह फिर पूड़ी खाओगे फिर तेल वाले चीज़ें सुबह सुबह अच्छा नहीं रहता, इसलिए दोस्तों सिर्फ 3 केला खा लिया हूँ। और अब जा रहा हूँ, कहीं पर अच्छा खाना मिलेगा तो खाऊँगा, क्योंकि खाने की चीज़ें इतना समोसा वगैरह बनाते नहीं यहाँ पर, सिर्फ पूड़ी चलता है। और इडली डोसा वगैरह होता तो थोड़ा कम तेल वाला वो अच्छा रहता है, लेकिन वो भी तो यहाँ नहीं बना रहे यार, क्या करें, ऐसी चीज़ है दोस्तों। बाहर घूम रहा हूँ इसलिए जो मर्जी कर रहा है वो नहीं खा सकते, क्योंकि सेहत का भी काफ़ी ख्याल रखना पड़ता है। तो चलते हैं फिर, अभी आगे देखेंगे कोई खाना मिलेगा तो अच्छा वाला। दोस्तों गोबर को जलाने के लिए बहुत सारे तरीक़ों से सुखाते हैं, आपने देखा होगा, लेकिन मैं आपको एक अभी नया और अनोखा तरीका दिखा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये देखो दोस्तों गोबर को जलाने के लिए किस तरह से सुखाए हुए हैं। ये एक वो जो ऊपर से जो डंडा है वो बांस तो नहीं है, वो एक कुछ है, उसमें से इस तरह रोल रोल करके 3-4 करके एक को रोल करके इसमें सुखाए हैं, इसको जलाया जाएगा। क्या कुछ नहीं करना पड़ता दोस्तों, सिर्फ पराठा और रोटी और परोठा पूरी और कचौड़ी ही मिलता है नाश्ते में, तो यही खाना पड़ेगा। नाश्ता करने के बाद दोस्तों मैं जा रहा हूँ अभी कृष्णा नगर की ओर, और रोड काफ़ी अच्छा मिला है मुझे दोस्तों। देख पीछे देख सकते हो रोड कितना भगवान की दया से काफ़ी अच्छा रोड मिला है। और यहाँ दोस्तों खेती बाड़ी की जा रही है, ये देखो मेरे पीछे ठीक ये गोभी का चारा है, टमाटर का चारा है। ये लेडीज़ लोग किस तरह से किस तरह का टोपी पहन के काम कर रहे हैं, देखिए।
यहाँ सिर्फ चारा उगाया जाता है शायद। और इस तरह का रोड में आज जाऊंगा दोस्तों, अच्छा रोड मिलता है तो अच्छा लगता है यार। मैंने यहाँ देखा काफ़ी सारे केले की खेती की जा रहा है, बहुत सारे दोस्तों, आप देख सामने देखो। और यहाँ भी चारा उगाया जा रहा है। मैं जो दिखाया था दोस्तों, नड़ा काट रहे हैं, वो सो इस तरह से बांधते हैं, कितना स्पीड से बांध रहे हैं देखो। सिर्फ कृष्णा नगर दोस्तों, और यहाँ मुझे ढूंढना है बैंक। इस बैंक के ऊपर एक SBI का शाखा है, वो रहा SBI का शाखा। लेकिन दोस्तों यहाँ मैंने अपने UPI ID जो बंद हो गया है उसके बारे में बात की, तो दोस्तों इन्होंने बोला कि जहाँ से ओपन किया है खाता अपना होम ब्रांच में, वहाँ होम ब्रांच में जाके UPI ID एक्टिव होगा। तो मैं तो यहाँ हूँ दोस्तों, जा नहीं सकता वहाँ, तो किसी को भेज के करवाने की सोच रहा हूँ। अगर वहाँ का मैनेजर ने हाँ बोला तो तभी तो हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा दोस्तों। इस तरह का घोड़ा गाड़ी बहुत देखा यार, तो सोचा आप लोगों को दिखा दो। वीडियोस देखते देखते इतने दूर आ ही गए हो तो दोस्तों बहुत ही अच्छा लगा होगा आई होप। और बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है दोस्तों वीडियोस बनाने में, प्लीज़ यार लाइक कमेंट एंड शेयर करिए। और इस चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दिए, क्योंकि देख चुके हो कितना ज़्यादा मेहनत लगता है वीडियोस बनाने में। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।